नमस्कार, मैं दिव्यांशु सिंह काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। फिर से एक नए कंटेंट के साथ जिसमें आपको मज़ा आए वो लेकर आया हूँ। पता है काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले हुए, मगर आज फिर से एक अलग एनर्जी के साथ आया हूँ, कुछ अलग कर दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले वीडियोज के जैसे मेरे ये भी वीडियो पसंद ज़रूर आएंगे। आज का इस वीडियो का टॉपिक है एक्टर। एक्टर एक ऐसा इंसान जो कि एक खुली किताब के जैसा है, मगर उसे पढ़ पाना हर किसी की बस की बात नहीं। जो हर रात बिना सोए खुद को एक बड़े पर्दे पर देखने का सपना देखता है, गांव के छोटे से रंगमंच से लेकर NHD जैसे बड़े बड़े रंगमंच तक पर खुद को देखने का ख्वाब देखता है। वो सिर्फ अपने पिता के नाम से नहीं, बल्कि उसके पिता उसके नाम से जाने जाएं, ये ख्वाहिश रखता है। पता है, जब एक एक्टर अपने घर से निकलकर दिल्ली या फिर मुंबई जैसी माया नगरी की ओर अपनी जिंदगी का पहला कदम रखता है ना, तो वो बस एक ही सपने लेकर निकलता है कि एक न एक दिन वो खुद को एक ऐसे मुकाम तक लेकर जाएगा जहां हजारों लाखों की भीड़ में लोग उसका नाम चीखेंगे, जहां भीड़ में लोग बस उसे देखने आएंगे। और एक एक्टर का हर दिन बस इसी कोशिश में बीत जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिसे लोग उसे जानने लगे, जिसे लोग उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज तक को पहचानने लगे। जेब में चंद रुपए होने के बाद भी होठों पर करोड़ों रुपए वाली मुस्कान लेकर अपनी मां से कहता है कि मां, मैं ठीक हूं, और तुम्हारा बेटा एक दिन ऐसा नाम करेगा कि पूरी दुनिया उसे जानेगी। मां के लिए घर, बाप के लिए गाड़ी और खुद के लिए सुकून खरीदना चाहता हूं। आंखों के चमक से लेकर खुद को सितारों सा चमकता देखना चाहता हूं। हाँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं। और एक एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला और अपनी पहचान की वजह से जाना जाता है। और मुझे पता है कि हर फिल्मों के हैप्पी एंडिंग के जैसे मेरी भी कहानी एक दिन बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। हजारों लाखों की भीड़ में लोग सीटियां मारेंगे, ताली मारेंगे और लोग मुझे देखने आएंगे। ये सब कुछ मैं खुद के दम पर तय करना चाहता हूं। हां, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं।